नमस्कार मैं डॉक्टर मालिक शर्मा और मैं बीएससी पार्ट वन जूलॉजी के फर्स्ट पेपर्स को आज आपको पढ़ाऊंगा जूलॉजी के फर्स्ट पेपर्स को इन्वर्टिबरेट में डिवाइड किया गया है और ये इन्वर्टिबरेट्स यानी सबसे फर्स्ट यूनिट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टिवरेट्स है क्लासीफिकेशन ऑफ इन्वर्टिवरेट्स को सबसे पहले क्लासीफिकेशन अरस्तु ने हमें सबसे पहले दिया था और उन्होंने क्लासिफिकेशन को अलग अलग तरह से डिवाइड किया उन्होंने क्लासिफिकेशन का बेस खाने योग्य पौधे न खाने योग्य पौधे और चार पैर वाले जंतु और दो पैर वाले जंतुओं में रखा लेकिन बाद में लीनियस ने सबसे पहले हमारे क्लासिफिकेशन का बेस टू किंगडम क्लासिफिकेशन रखा उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में रखा एनिमल किंगडम्स के अंतर्गत उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया इन्वर्टिब्रेट और बर्डिबरेट आज हम इन्वर्टिबरेट की चर्चा करेंगे इन्वर्टिव वे एनिमल्स होते हैं जो जिनमें कि स्पाइनल कॉलम नहीं पाया जाता यानी बैक बोन्स नहीं पाई जाती नोटोकॉड नर्वकॉड और गिलसलेट्स का अभाव होता है यानी इनमें गिल्सलिट्स तो पाए जाते हैं लेकिन नोटोकॉड और नर्व नर्वकॉड नहीं पाई जाती हैबिटेट में ये सभी जगह ऑल टाइप्स के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थ्री पार्ट्स में डिवाइड रहता है हेड थॉरैक्स एंड एबडोमन सिमेट्री भी इनमें रेडियल और बाइलेट्रल एंड एक्सेल पाई जाती है सीलोम इनमें बोथ ए सीलोमेट एंड सीलोमेट दोनों प्रकार के होते हैं और इनका बॉडी का जो बनना है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे एनिमल हैं जो प्रिमेटिव थे प्रिमेटिव एनिमल्स यानी सबसे पहले ओरिजिन में आने वाले एनिमल्स जिनमें कि अलग अलग तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इन्वर्टिब्रेट्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया एक भाग जो कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और एक भाग जो कि हायर इन्वर्टिब्रेट्स। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं और हायर इन्वर्टिवरेट्स पढ़ते हैं लोअर इन्वर्टिव में हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सिंपल होता है और स्मॉल होते हैं यानी ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं एग्जाम्पल जैसे कि फाइलम प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ सबसे फर्स्ट फाइलम है जो कि लोअर इन्वर्टिव में आता है इसके बाद आता है हमारे यहाँ पॉरीफेरा पोरीफेरा फिर सिलेंट्रेटा और प्लेटल मंथिस एंड एसकेल यानी ये फाइलम्स हैं जो कि लोअर इन्वर्टिव में काउंट होते हैं यानी लोअर इनवर्टिस का मतलब आप समझे होंगे कि वो एनिमल किंगडम के वे फाइलम्स जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले आने वाले फाइलम जैसे कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा सिलेंटेटा प्लेटलमथिस एंड एसकेलमत और हायर इनवर्टिवेट्स इन्वर्ट, में आते हैं जिनका की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है जो कि लोअर इन्वर्टिवरेट से अधिक होता है जैसे कि ये साइज़ में लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिप्लोब्लास्टिक होता है यानी ये तीन लेयर से यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर से मिलकर बने होते हैं जैसे कि एक्टोडर्म मिजोडर्म एंड एंडोडर्म जैसे इनके इनके अंतर्गत आने वाले फाइलम्स हैं एनिलेडा आर्थोपोडा मोलस्का एंड एक अगर हम इसके अलावा हम आज के पीरियड में जो कि बिटकर ने दिया था हमें क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया जैसे मोनेरा प्रोटेस्टा एनिमेलिया फंजाई एंड प्लांटी लेकिन हम जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इन्वर्टिवलेट में देखते हैं वो है आउटलाइन क्लासिफिकेशन यानी आउटलाइन में मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आता है ए सेलुलर यानी प्रोटोजोआ एंड मल्टी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ए सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर पर ए सेलुलर वे एनिमल्स होते हैं जो कि एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं सिंगल सेल्स यानी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो सारी के सारी एक्टिविटीज़ एक ही सेल्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है सो इसलिए हम इन्हें ए सेलुलर एनिमल्स कहते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स वो होते हैं जिनमें कि टिशू ग्रेड पाया जाता है यानी टिश्यू सिस्टम्स पाया जाता है सेल डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनने लगती हैं टिश्यूज बनने लगते हैं और ये इनमें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अलग अलग होते हैं यानी ये दे अलग अलग प्रकार के ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रोल प्ले करते हैं दे हैव सेलुलर टिश्यूज़ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ग्रेट सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप से इनमें पाया जाता है इसीलिए हम इन्हें मेटाजोआ कहते हैं यानी हमने एनिमल किंगडम को अगर हम दोबारा से बात करें तो हम एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटते हैं पहला फर्स्ट है प्रोटोजोआ एंड सेकंड है मेटाजोआ आप प्रोटोजोआ के बारे में समझे होंगे कि प्रोटोजोआ क्या है प्रोटोजोआ वे एनिमल्स हैं जो कि सिंगल सेल्स के बने होते हैं और इनमें सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि डाइजेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा सारा का सारा एक ही सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है इसीलिए हम इन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं लेकिन जब सेल्स में डिविजन होने लगता है सेल्स मल्टी होने लगता है तो वो कहलाते हैं मेटाजोआ मेटाजोआ क्या होते हैं मेटाजोआ मल्टी होते हैं यानी एक

एनिमल किंगडम को हमने दो भागों में डिवाइड किया पहला था प्रोटोजुआ और दूसरा था मेटाजोआ मेटाजोआ प्रोटोजुआ में यानी ए सेलुलर एनिमल्स और मेटाजोआ में यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स लेकिन अब ये पॉरीफेरा कहाँ आया तो पोरीफेरा को हमने मेटाजोआ की एक सेपरेट क्लास जिसे कि पैराजोआ कहते हैं उसमें रखा फाइलम पोरीफेरा फाइलम पोरीफेरा यानी ये सारे के सारे स्पंज होते हैं इसीलिए हम स्पंज में रखा गया है इन्हें स्पंजो लेडी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है इनकी 5000 स्पीशीज़ हैं जो कि ऑलमोस्ट मैराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में यानी दोनों जगह पर पाई जाती हैं स्पंज सिंपल होते हैं मल्टी सेलर होते हैं लेकिन इनमें टिश्यू ग्रेड नहीं पाया जाता और इनमें ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी इनमें टिश्यू ग्रेड का अप्सेंट होना बॉडी मास ऑफ सेल्स एम्बेडेड होता है जिलेटिनियस मैट्रिक्स पाई जाती है और जो कि इसके फ्रेमवर्क को यानी इस्पीकुल्स को एक डिसाइडेड करती है सपोर्ट करती है फॉरीफेरा को हमने तीन क्लासेस में बांटा है। सबसे पहली क्लास है कैलकेरिया कैलकेरिया मतलब इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए इस्पीक पाए जाते हैं इसीलिए हम इसे कैलकेरिया कहते हैं ये स्मॉल्स होते हैं और ट्यूबलर फॉर्म में पाए जाते हैं या ट्यूबलर या वे शेप्ड पाए जाते हैं ये स्मॉल्स होते हैं नेक्स्ट क्लास है हमारी हैगजेक्ट इन लिडा यानी इसमें सिक्स रेड स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं और ये स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं ये जो कि ग्लास लाइक बने होते हैं और ये बायोलेटरल सिमेट्रिकली होते हैं इनक्लोज कॉलोनीजियस मीजोफिल भी इनमें पाया जाता है नेक्स्ट क्लास है हमारी डीमो इस्पोंजिया डीमो यानी हम पोरीफेरा को हमने तीन क्लासेस में बांटा है पोरीफेरा के कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं जैसे कि इनमें पोर्स का पाया जाना नंबर वन करेक्टर्स नंबर टू करेक्टर्स इनको तीन क्लासेस में बांटा गया है नंबर थ्री जो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इनमें कैन सेल्स टाइप्स यानी इनमें कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम आर्क्योसाइट्स कहते हैं कोइनोसाइट्स कहते हैं और पोरोसाइट्स कहते हैं और पिनोसाइट्स कहते हैं यानी इस पोरीफेरा में चार तरह की सेल्स का पाया जाना नंबर वन आर्क्योसाइट्स नंबर दो कोइनोसाइट्स नंबर तीन पोरोसाइट्स और नंबर चार पेनिकोसाइट्स यानी चार तरह की सेल्स का पाया जाना नेक्स्ट करैक्टर्स है जो इसमें इंपॉर्टेंट करैक्टर्स है चूंकि ये समुद्र में यानी जल में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर यानी मैराइन वाटर दोनों जगह पाए हैं इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है यानी इनमें पानी का अंदर जाना पोर्स पाए जाना यानी इसमें पानी का अंदर जाना तो इनमें चार तीन तरह का कैनाल सिस्टम्स होता है कैनाल सिस्टम्स में एस्कोना टाइप्स साइकोन टाइप और लीकोन टाइप यानी थ्री टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स इनमें प्रेजेंट रहता है जो कि इनके अंदर वाटर को अंदर प्रवेश करता है ये वाटर इनको न्यूट्रिशन इनका ऑस्मो रेगुलेशन ये वाटर इनमें बहुत सारे फंक्शंस को रोल प्ले करता है नेक्स्ट फाइलम हमारे यहाँ आता है अभी तक हमने देखा कि फाइलम प्रोटोजुआ ए सेलुलर था फाइलम पोरीफेरा मल्टी था बट टिश्यू ग्रेट अपसेंट था नाउ अब हम देखते हैं सिलेंटेटा पर सिलेंटेटा क्या है सिलेंटेटा फर्स्ट मेटा जो है जिसमें कि ग्रेड पाया जाता है अभी तक हमने देखा था इस फाइलम पोरीफेरा को हमने कहाँ रखा था पैराजोआ क्लास में रखा था यानी मेटा जो कि पैराजोआ क्लास में हमने सिलेंट पोरीफेरा को रखा अब हम देखते हैं सिलेंटेटा सिलेंटेटा कहाँ है सिलेंटेटा फर्स्ट मेटा जो है ये कैसे होते हैं इनका बॉडी मल्टी सेलर होता है यानी इनमें सेल्स अधिक पाई जाती हैं सेल्स से बना होता है मल्टी सेलर होता है बॉडी कैविटी पाई जाती है इनमें बॉडी मीन्स ए डाइजेशन के लिए पाई जाती है हेवे सिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं और ये रेडियल सिमेट्री यानी एक बर्ड आया सिमेट्री सिमेट्री मतलब निश्चित आकार का यानी ये कैसे होते हैं एक निश्चित आकार के पाए जाते हैं इनमें पॉलिप और मेडूसा पाया जाता है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी ये दो लेयर से मिल कर के बने होते हैं इसलिए हम इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं इनमें दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन यानी ये दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं और इनमें डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर यानी दोनों प्रकार का इनमें डाइजेशन पाया जाता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हम जो फाइलम प्रोटोजोआ था पहला हमारा उसमें हम पढ़ेंगे एक एनिमल प्लाज्मोडियम के बारे में फाइलम पॉलीफेरा में हम पढ़ेंगे साइकोन के बारे में और फाइलम सिलेंटेटा में हम पढ़ेंगे ओविलिया के बारे में लेकिन अभी हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आती हैं इनकी तीन क्लासेस यानी सबसे पहले हाइड्रोजोआ हाइड्रोजोआ क्लास है ये टेबुल एरिया में पाई जाती है दूसरी क्लास है स्काइफोजोआ यानी जेली फिश इसे हम जेली फिश कहते हैं और तीसरी क्लास है इसकी एंथोजोआ एंथीजुआ मतलब सी एनिमोन सी एनिमोन जो कि एंथोजोआ क्लास के अंतर्गत आता है इसमें आते हैं गोरगोनिया पैनेटूला ये सब इसके अंतर्गत आते हैं यानी सिलेंटेटा से तो एनिमल किंगडम में बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है सिलेंटेटा से यानी सिलेंटेट सबसे पहले फर्स्ट मेटाजोआ है जो कि हमारे यहाँ एनिमल किंगडम्स में पाए जाते हैं इसके बाद हमारे यहाँ आता है फाइलम प्लेटियल मध्य प्लेट प्लेट मतलब चपटे चपटे एनिमल्स जो कि चपटे होते हैं और इन्हें हम फ्लैट बॉम्ब्स भी कहते हैं यानी ये चपटे एनिमल्स हैं जो कि फ्लैट बॉम्ब के नाम से जाने जाते हैं इनमें इनके मेन करेक्टर्स होते हैं जैसे ए सिलोमेट ए सिलोमेट मतलब डोरसो वेंट्रली फ्लेटेट होते हैं यानी डोरसो वेंट्रली चपटे होते हैं और ए सिलोम नहीं पाई जाती ये ट्रिप्लो होते हैं यानी ये तीन लेयर से मिल बने होते हैं यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म जो कि एनिमल किंगडम का मेन करेक्टर्स है यानी इसमें तीन थ्री लेयर्स पाई जाती हैं जो इनके डेवलपमेंट करती हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म बाई इनमें में सिमेट्री पाई जाती है बाइलेट्रल सिमेट्री से मतलब हो जाता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली यानी इनके अंदर के और बाहर के दोनों करेक्टर दोनों ऑर्गन्स इनके बिल्कुल निश्चित पा उसमें पाए जाते हैं इसीलिए ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स आर अरेंज रहते हैं ये फिर इसके बाद आता है इनमें नर्वस सिस्टम यानी हम यहाँ पर सिस्टम वर्ड यूज़ करने लगते हैं यानी नर्वस सिस्टम अभी तक हमने सिलेंटेटा में नर्वस सिस्टम यूज़ नहीं किया सिस्टम्स नहीं बना हमारे यहाँ वहाँ पर टिश्यू ग्रेड बना लेकिन यहाँ सिस्टम्स स्टार्ट होता है यानी एंटीरियर ब्रेन पेयर्ड वेंट्रिकल नर्व कॉड्स इसमें पाई जाती है डाइस सिस्टम डाइसे सिस्टम इनकम्प्लीट एन पाया जाता है अपसेंट होता है इसमें एंड फूड एक्सेप्ट बाई माउथ माउथ के द्वारा ही इनमें फूड बाहर निकाला जाता है यानी एस्क्रिटी सिस्टम डिफ्यूजन एक्रॉस बॉडी बॉल बॉडी बॉल के द्वारा बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा इनमें एस्क्रीशन की प्रोसेस होती है और ये स्पेशलाइज्ड इनमें एस्क्रेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं यानी हमारे यहाँ पर अब सिस्टम्स डेवलप होने लगे एनिमल किंगडम मतलब अब यहाँ से डेवलप होता है यानी एस्क्रेटरी ऑर्गन्स यानी प्रोटोन एफ्रेडिया यानी इन्हें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रोटोन जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं जो कि इसका एस्क्रेटरी ऑर्गन्स होता है यानी ये जो इसके ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं यानी प्लेटी हेलमथिस एक इंपॉर्टेंट फाइलम्स है जो यहाँ से एनिमल किंगडम में स्टार्ट होता है नेक्स्ट फाइलम आता है यानी इसको हमने इसको तीन क्लासेस में फिर डिवाइड किया हुआ है टर्बिल एरिया टर्मेटोडा एंड सिस्टोडा ये फ्री लिविंग फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले टर्बिल होते हैं और दूसरा ट्रिमेटोडा ऑल पैरासाइटिक होते हैं यानी ये सभी के सभी मोस्टली दूसरे बर्टिब्रेड्स के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और ये हमें डिसीजेज़ फैलाते हैं बीमारियां फैलाते हैं जो कि हमारे यहाँ पर ओलर सकर सराउंड्स के द्वारा माउथ बेंटल सकर के द्वारा ये अटैच हो जाते हैं सिस्टेटोडा मोस्टली सिलेंडर एंड एलोंगेट लंबे होते हैं विद इट्स फ्लैट बॉडी इनकी बॉडी सप चपटी होती है और ये मैनी शॉर्ट सिमिलर सेक्शंस के रूप में पाए जाते हैं नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आप देख रहे हैं जैसे एक है अपना प्लेनेरिया की एनाटॉमी दिखाई गई है टैप बॉर्म जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है छोटे छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं उनमें ये अधिकतर मात्रा में पाया जाता है दूसरा है प्लेनेरिया प्लेनेरिया लिवर फ्लूक यानी ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं जो हमें डिसीज़ फैलाते हैं नेक्स्ट फैलम आता है हमारा इसके बाद निमेटे हेलमथिस निमेटे हेलमथिस प्लेटेलमंथिस एंड निमेटेलमंथिस ऑल्सो कॉल्ड द निमेटोडा निमेटोडा के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं मोस्टली पैरासिटिक होते हैं यानी ये अधिकतर सभी के सभी दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं फ्यू ऑफ देम आर फ्री लिविंग लेकिन इनमें से कुछ फ्री कंडीशन में भी पाए जाते हैं ये बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है एलोंगेट लंबे होते हैं और ये बॉर्म लायक होते हैं यानी क्रमिक के लायक होते हैं इसीलिए ये टैप बॉर्म भी कहलाते हैं नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ इनका बॉडी ट्रिपलो ब्लास्टिक यानी इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ट्रिपलो हमने ये देखा कि फाइलम पोरीफेरा डिप्लो ब्लास्टिक था अब फाइलम सिलेंटेटा डिप्लो ब्लास्टिक था प्लेटेलमते ट्रिप्लो ब्लास्टिक था और ये ट्रिपलोब्लास्टिक था ये बायोलिट्रली सिमिट्रिकल होते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पाया जाता है बॉडी अनसेगमेंटेड होती है यानी इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है अनसेगमेंटेड होती है बॉडी लंबी होती है बॉडी कैविटी इज़ फिल्टेड विद मसल्स मसल से भरी होती है और ये सीडोसुलोमेट होते हैं यानी इनमें सिलोम जो पाई जाती है वो सीडोसुलोमेट होती है इंटरनल सिविलाइजेशन इज़ प्रजेंट इन में सिविलाइजेशन वर्ड हम वैसे देखेंगे तो वो देखेंगे हम आर्थोपोडा में लेकिन अभी हम यहाँ देखते हैं कि इनमें इंटरनल सिविलाइजेशन पाया जाता है इंटरनल मतलब हो जाता है कि आंतरिक आंतरिक रूप से इनकी बॉडी में डिवाइडेशंस होता है जैसे हम कहेंगे इंटरनल सिविलाइजेशन और ये डिस्टिंक्ट हैड इज़ लेकिंग इनमें हैड अलग से नहीं पाया जाता माउथ इज प्रजेंट माउथ पाया जाता है और ये बॉडी कवर्ड रहती है यानी इनकी बॉडी एक क्यूटिकल से रफ क्यूटिकल से कवर्ड रहती है इसलिए इसे निमेट हेलमंथी ये भी जो है ना इनका डाइस सिस्टम कम्प्लीट होता है यानी पूरी तरह से कम्प्लीट डाइस सिस्टम पाया जाता है बोथ माउथ एंड एनस पाए जाते हैं माउथ टर्मिनल होता है एंड सराउंडेड बाय लिप्स लिप्स के द्वारा इनका माउथ बना होता है यानी घिरा हुआ रहता है और इनमें सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं इनके यानी ये यहाँ से एक डेवलप होने वाला एनिमल्स सिस्टम्स हो गया रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स इनमें अपसेंट होते हैं यानी ये सिस्टम्स इसमें नहीं पाए जाते रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस यानी इनमें जो रेस्परेशन की प्रोसेस है वो थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस के द्वारा होती है और इनका जो रेस्परेशन है यानी कि श्वसन ए एरोबिक इन फ्री लिविंग फॉर्म में होता है यानी ये एन एरोबिक भी होता है तो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं यानी जब ये फ्री लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं तो इनमें रेस्परेशन एरोबिक होता है यानी श्वस और जब ये पैरासिटिक कंडीशन में यानी किसी एनिमल के साथ में अंदर रहते हैं तो ये पैरासिटिक यानी एन एरोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं इनका एक्सक्रिटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी अंग तंत्र कंसिस्ट ऑफ इंट्रा सेलुलर कैनाल के रूप में होता है और जो कि इनकी लेटरल डक्ट के रूप में पाया जाता है एंड ये इनमें प्रोटोनफ्रेडिया भी पाए जाते हैं यानी ये इन्हें हम प्रोटोनफ्रेडिया भी कहेंगे सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप होते हैं इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते यानी बहुत ही पुअरली कंडीशंस में सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं और जो कि पेपिली के रूप में होते हैं पेपिली है ना इसलिए इन्हें एम्फिट्स भी कहते हैं ये यूनिसेक्चुअल होते हैं अब हम आते हैं हमारे यहाँ पर यूनिसेक्चुअल यानी इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं सेक्चुअल डायमोरफिज़म पाई जाती है मेल और फीमेल दोनों सेक्स अलग अलग होते हैं इसलिए इसे सेक्चुअल डाइमोफिज़म होती है इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यानी इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा इंटरनल कंडीशन में, में पाया जाएगा तो नाउ अब हम देखते हैं निमेटोडा निमेटोडा को बेसिकली उसके नर्वस सिस्टम्स के आधार पर डिवाइड किया गया है यानी एड्रोनोफोरा और साइकोफोनेडा यानी कि दो तरह से इसको डिवाइड किया गया इन ऐसे एनिमल्स जिनमें कैडुअल सेंसरी ऑर्गन्स फेजमिट पाया जासेंट होता है उन्हें ए फेजमिटा कहते हैं और जिनमें पाया जाता है उसे फेजमेटा कहते हैं एंटीरियर सेंसर ऑर्गन्स आर ओ ऑफ वेरियस टाइप्स यानी इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं एम्फिट्स आर पोर लाइक और एम्फिट्स कैसे होते हैं इनमें पोर के समान होते हैं यूजुअली फ्री लिविंग यानी ए फेजमिट्स कैसे होते हैं सामान्यतः फ्री लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं और फेजमिटा कैसे होते हैं जो कि सामान्यतः पैरासाइटिक कंडीशन में पाए जाते हैं यानी ये पैरासाइटिक कंडीशन होते हैं एस्क्रिटिव सिस्टम कैसा होता है इनमें अप्सेंट होता है यानी रूडिमेंट्री होता है अल्प विकसित होता है और इनमें एस्क्रिटिव सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होता है तो नाव निमोटोडा को हमने उनके दो भागों में बांटा यानी दो क्लासेस में डांटा गया है ए फेसमेडा और ए फाइसमेडा यानी ये ठीक अब हम देखते हैं इसके बाद इसके कई एनिमल्स हैं नेक्स्ट अब हमारा एक इंपॉर्टेंट आता है जो है हमारे हायर एंड इन्वर्टिव रेट्स अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा लोअर इन्वर्टिव रेट्स यानी लोअर इन्वर्टिव रेट्स को हम एक बार फिर रिपीट करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फाइलम आता है प्रोटोजोआ फिर आता है पॉरीफेरा और फिर आता है सिलेंटेटा प्लेटल मंथिस निमेटमथिस ये सभी कैसे रहे लोअर इन्वर्टिव रहे जहाँ पर बॉडी का बनना यानी बॉडी का ऑर्गनाइजेशन स्टार्ट होता है सेल्स पहले ए सेलर रहते हैं दैट मीन्स फिर सेल्स कंप्लीट होती हैं सेल्स बनती हैं और सेल्स बनने के बाद फिर टिश्यूज़ बनते हैं टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन बनते हैं और धीरे 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 सिस्टम्स डेवलप होने लगते हैं लेकिन जो अभी हमारा फाइलम है वो है एनिलिडा एनिलिडा फाइलम्स क्या है एनीलेडा फाइलम्स एक इम्पॉर्टेंट फाइलम्स है और इम्पॉर्टेंट एनी लिडा एनी एनी मतलब एन्यूल्स एन्यूल्स एन्यल्स बियरिंग एनिमल्स एन्युल्स क्या हो गए यानी इनकी बॉडी पर छोटे 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 छोटे, छोटे पूरी बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है यानी इनके ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एनिलेडा सेगमेंटेशन डिवीजन ऑफ बॉडी सेक्शंस होता है अर्थबॉम हैज अबाउट हंड्रेड सेगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे आपने देखा होगा अर्थबॉम यानी हमारे पास सबसे ज्यादा अर्थबॉम जैसे जिसे हम कहेंगे फेरेटिमा पोस्थामा जिसका साइंटिफिक नेम है और उस पर क्या पाए जाते हैं हंड्रेड सेगमेंट पर यानी इन पर इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होता इंटरनल सिफिलाइजेशन नहीं होता कहाँ पे होगा इनका आउटर होगा यानी ये बाहरी सेगमेंटेशन होगा इनका बाहर सेगमेंटेड होंगे इसलिए इनमें सेगमेंटेशन पाया जाएगा एक्सनल करेक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो इंटीरियर एंड इज़ डार्कर मोर पॉइंटेड देन द पोस्टीरियर इनका आगे का हिस्सा पॉइंटेड होता है पीछे के हिस्से की तुलना में है ना ये सबसे एक इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है इनके ऊपर एन्यूल्स पाए जाते हैं रिंग पाए जाते हैं माउथ एंड प्रोस्टोमियम अपर लिप्स पाई जाती है एंटीरियर एंड पर एनस इज द ओपनिंग एट द पोस्टीरियर एंड वेयर वेस्ट एक्सिस्ट यानी इनमें एनस भी पाया जाता है और माउथ भी पाया जाता है यानी एक लंबी सी संरचना पाई जाती है इनमें सीटी पाई जाती है जो एक इंपॉर्टेंट करैक्टर्स है यानी सीटी का पाया जाना ब्रिस्टल्स ऑन द साइड्स ऑफ द अर्थ बॉम यूज डे मूवमेंट एंड टू क्लिंग टू द साइड्स ऑफ द गोरो यानी ये उस पर पाए जाते हैं ईच सेगमेंट हैज ए फोर पेयर ऑफ सीटी यानी हर सेगमेंट में फोर पेयर सीटीज पाई जाती हैं डाइजिस सिस्टम इसका डायजेस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये म्यूकोइड फीडिंग होते हैं म्यूकोइड फीडिंग मतलब मिट्टी को खाते हैं यानी इसके सिस्टम्स में सबसे पहले माउथ माउथ में क्या होगा फेरिंग्स फेरिंग्स मस्कुलर ऑर्गन्स होता है फॉर सकिंग इन सॉइल दैट कंटेंस सक करता है किसको मस्कुलर ऑर्गन्स को इसमें जो फूड पार्टिकल्स को खाता है इसके बाद आता है इसोफेगस इसोफेगस इसकी लंबी होती है इंटेस्टाइन रेस्परेटरी सिस्टम्स इसका रेस्परेटरी सिस्टम्स स्किन के थ्रू यानी इसकी स्किन थिन स्किन पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है यानी इसका रेस्परेटरी सिस्टम्स एक इम्पॉटेंट सिस्टम्स है हम देख रहे थे डाइस सिस्टम एनिलेडा का एनिलेडा में हम स्पेशली देख रहे थे अर्थबॉम को अर्थबॉम जो कि अर्थ अर्थ मतलब जमीन जमीन में पाए जाने वाले कृमि जिन्हें हम कहेंगे अर्थबॉम और ये जो अर्थबॉम है इसका डाइस सिस्टम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जैसे कि इसमें फेरिंग्स का पाया जाना जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन्स के रूप में बनी होती है और जो सॉयल को शक करती है यानी शक करने का काम करती है फिर आता है हमारे यहाँ इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन भी एक इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेगमेंट नाइन टू एनस यानी 19 सेगमेंट से लेकर के और एनस तक फैली हुई रहती है और ये केमिकली ब्रेक डाउन फूड फूड जो कि अर्थवॉर्म लेता है उसको केमिकली ब्रेक करती है और तोड़ती है और ये इसको एब्जॉर्ब करती है नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थवॉर्म में थिन स्किन पाई जाती है बहुत ही थिन स्किन पाई जाती है जो कि सॉयल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और इसके बाद एस्क्रेटिव सिस्टम दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्क्रिटी सिस्टम एस्क्रिटी सिस्टम अभी हमने पिछले फाइलम्स में देखा कि वहां पर प्रोटोनेफ्रीडिया जैसे होता है प्रोटोनेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया सेप्टल नेफ्रीडिया और इसका जो इंपॉर्टेंट नेफ्रीडिया है यानी इसमें एस्क्रीसन किसके थ्रू होगा नेफ्रीडिया के थ्रू होगा और नेफ्रीडिया क्या है इसका जो एस्क्रूसन है वो सेप्टल नेफ्रीडिया के द्वारा होता है जो कि इसमें हर सेगमेंट में पाए जाते हैं लेकिन एस्क्रिट ऑर्गन्स में पाए जाने वाले नेफ्रीडिया अलग अलग होते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो अब हमने देखा अभी पहले पिछले फाइलम्स में देखा कि ये दो तरह के एनिमल्स देखने को मिले हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग रहे और अब हम यहाँ देखते हैं हारमोफ्राइडाइटिक कंडीशन हर्मोफ्रोडाइटिक कंडीशंस क्या होती है यानी जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही एक ही एनिमल में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट यानी हर्मोफ्रोडाइट जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं यानी यह एनलिडा में पाए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स था और इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो था अलग अलग कीटा के की रूप में यानी इनमें पाए जाने वाले कीटा कीटा मतलब कि ओलिगो कीटा कुछ कीटा पाए जाना है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3500 स्पीशीज पाई जाती हैं और जिनमें से 6.5 परसेंट यानी छः या पाँच परसेंट जो है ना मैराइन होती हैं बाकी सभी की सभी फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट से मतलब हो गया स्थली यानी ज़मीन पर पाए जाने वाली कंडीशन ये बैडली भी होते हैं बायो और ये जो है ना इसके अलावा ये फ्री सीटा यानी विदाउट पैरापोडिया अब इनमें लोकोमोशन के लिए एक अलग ऑर्गन्स एक डेवलप हो गया जिसे हम कहेंगे पैरा पैरा मतलब पोडिया पोडा मतलब पैर पैर चपटे पैर चपटे पैर का पाया जाना इसे हम कहेंगे पैरापोडिया और इसमें जो है ना आइज एंड टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं गैस एक्सचेंज होती है इनमें डिफ्यूजन के थ्रू और बॉडी वॉल के थ्रू यानी बॉडी वॉल के डिफ्यूजन के थ्रू इनमें गैस का एक्सचेंज होता है तो यानी इंपॉर्टेंट है कि ओलीगो कीटा फिर आते हैं पॉलीकीटा यानी बहुत से कीटा का पाया जाना कॉम्प्लेक्स हेड होता है इनमें इनकी बॉडी रिपीटेटिव होती है सेगमेंटेड होती है और ये इनमें अपेंडिजिज भी पाए जाते हैं जिन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं यानी पैरापोडिया जो कि लोकोमोशन के लिए इनमें पाए जाने वाले अपेंडिजिज है जिन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं और फेरिंग्स ऑफ सम पोलिकीट्स इज इसबिल रिवर्सिबल होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें पाए जाते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारे यहाँ अलग अलग तरह से देखते हैं तो हम फिर आता है हमारे यहाँ एक हेरूडिनिया हेरुडिनिया हिरोडूनिया कार्बोरास एनिमल्स है, है यानी ये और इसमें ओरल एंड कैडुअल दोनों शक्कर पाए जाते हैं यानी आगे भी और पीछे भी जैसे कि लीच आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा लीच जोंक जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो जोंक जोंक इसी फाइलम में आने वाला एनिमल है यानी अगर हम इस इंपॉर्टेंट करेक्टर्स देखते हैं फाइलम एनिलेडा के तो एनिलिडा हमारे यहाँ पर पाए जाने वाला हायर इनवर्टिव है जिसमें कि सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है यानी सिस्टम इसमें डेवलप होते हैं और सबसे मेन चीज़ इसमें क्या क्या पाई गई इसमें सबसे पहले पाया जाता है नेफ्रीडिया जो कि एस्क्रेशन का काम करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होता है फिर इसके बाद आता है इनमें रिप्रोडक्शन तो ये कैसे होते हैं हर्मोफ्रोडाइट होते हैं यानी मेल एंड फीमेल दोनों के सेक्स करेक्टर्स एक ही एनिमल में पाए जाते हैं इसलिए हम इस कंडीशन को हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन कहते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट है हाइरोडिनिरिया का यानी लीच लीच ये इसके है। एनिमल्स पाए जाते हैं आप है, जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे पैरापोडिया पे की कंडीशन पाई गई आप देख ही रहे हैं। और ये लीच यानी आपको देख रहे हैं जोंक जिसे आपने अक्सर करके देखा होगा जोंक के बारे में ना <coughs> अब हम इस फाइलम के बाद आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट फाइलम जो कि आर्थोपोडा है यानी इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स डेढ़ लाख एनिमल्स यानी सबसे बड़ा और इससे हम सभी रूबरू होते हैं यानी इससे हम सारे के सारे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत अधिक है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी बहुत अधिक है और यूजफुल भी है, दोनों हैं दोनों तरह से हैं इनमें सबसे मेन है आर्थो आर्थो मतलब हो गया जॉइंट्स पोडा मतलब लेग्स जॉइंट लेग्स प्रजेंट दैट इज द कॉल्ड आर्थो पोडा आर्थोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है अब ये इसमें जॉइंट्स लेग पाए जाते हैं ये कैसे होते हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक मतलब समझे कि आपके ट्रिपलो ट्रिपलो मतलब तीन तीन लेयर से मिलकर के बने होते हैं यानी एक्टोडर्म मिजोडर्म और एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म तीनों लेयर्स का पाया जाना क्या कहलाएगा ट्रिपलोब्लास्टिक कंडीशन पाया है हीमोसिल्योमिक कंडीशन पाई जाती है इनमें ये, ये सेगमेंटेड होते हैं नेक्स्ट इसका एक इंपॉर्टेंट करेक्टर्स होता है कि सिफेलाइजेशन यानी इनकी बॉडी आउटर सिफेलाइजेशन होती है सिफेलिक रीजन का पाया जाना सिफेलिक मतलब हाइड्रिक हेड रीजन का पाया जाना सिफेलिक रीजन कहलाता है बॉडी सेगमेंटेड होती है सेफेलिक हेड रीजन एब्डोमिन रीजन और अपेंडिस यानी इसकी बॉडी अलग अलग जॉइंट उसमें डिवाइडेड रहती है जॉइंट लेग्स पाए जाते हैं यानी अपेंडिस पाए जाते हैं इसमें इसका सिस्टम कंप्लीट होता है और वेल डेवलप्ड होता है यानी हम इस इस फाइलम में कह सकते हैं कि ये फाइलम ऐसा फाइलम है जो पूरी तरह से कंप्लीट फाइलम है यानी इसमें कंप्लीट कम्प्लीट सिस्टम्स पाया जाता है माउथ बीयर माउथ पार्ट्स फॉर यानी इसमें कई तरह के अपेंडिक्स पाए जाते हैं माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि फाइव टाइप्स के माउथ पार्ट्स होते हैं इसमें रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस या गिल्स के द्वारा होता है यानी इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है या फिर जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है और ये कई और इनमें बुक लंग्स भी पाए जाते हैं इसमें सर्कुलेशन अलग अलग तरह से होता है जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है नो ब्लड वेसल्स इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती और इनमें ब्लड एंटर्स भी नहीं करता वेसल्स में यानी ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है अब हम देखते हैं पहले आर्थोपोडा के बारे में आर्थोपोडा एस्क्रीशन टेक्सप्लेस थोड़ा मालपिगी टिबुल्स यानी ये एक माल ने सबसे पहले एस्क्रीशन के बारे में बताया था एस्क्रेटरी टिबुल्स के बारे में बताया था तो हम उन्हें मालपिगी टिबुल्स कहते हैं और इनमें ग्रीन ग्लैंड कॉक्सल ग्लैंड भी पाई जाती है यानी अगर हम थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पर हम ये देखते हैं एस्क्रीशन अब एस्क्रीशन में पाए जाने वाले एस्क्रेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं जैसे मालपीगी की का पाया जाना मालपीगी ने बताया था ये कैसक्रेटरी ऑर्गन्स है ग्रीन ग्लैंड का पाया जाना और कॉक्सल ग्लैंड का पाया जाना ये सारे के सारे इनमें पाए जाते हैं इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है एनिलिडन टाइप्स होता है और एनिलिडा के समान होता है ब्रेन डेवलप होती है इनमें नर्वस सिस्टम भी कई गेंगलियन से मिलकर यानी यह हम यहाँ पर अगर नर्वस सिस्टम को देखते हैं तो इसमें गेंगलियन पाए जाते हैं और गेंगलियन क्या है गेंगलियन यानी यहाँ से बहुत सी नर्व निकलती हैं जो अलग अलग जगह पर मिलती हैं उसे हम गेंगल्योन कहेंगे और इसमें गेंगलियन यानी इसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड कंडीशन में पाया जाता है ये यूनीक्चुअल होते हैं यूनिसेक्सुअल मतलब इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल्स अलग अलग पाए जाते हैं और इनमें फिर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से होता है यानी इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है फिर ये बीबी पैरस ओवो ओ भी पैरस और ओवो बी भी पैरस होते हैं यानी इनमें ये दोनों कंडीशन पाई जाती हैं ओ भी पैरस और ओवो बी भी पैरस यानी अंडे देना और अंडे के साथ साथ डेवलपमेंट डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी अब एक कंडीशन आई कि बी भी पैरस है ओ भी पैरस है ओवो बी भी पैरस है इनमें डेवलपमेंट अब डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मतलब होता है कि जो जैसे कि सबसे पहले एगलिंग हुआ एगलिंग के बाद लार्वल कंडीशन पाया जाना प्यूपा कंडीशन पाया जाना फिर देन प्यूपा कन्वर्ट टू तो एडल्ट एंड दैट इज द कंडीशन इस टाइप की कंडीशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है इनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे कि एंटीनी एंटीनी सेंसरी ऑर्गन्स है सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं जो फॉर टच एंड कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सिंपल एंड कंपाउंड आइस मेन चीज़ है इनकी कंपाउंड आई यानी अगर हम पेलीमोन को देखते हैं तो पेलीमोन में दो कंपाउंड आइस पाई जाती हैं ऑडिटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हैं इनमें और स्टेटोसिस्ट पाई जाती है यानी हम एक बार फिर रिपीट करते हैं फाइलम आर्थोपोडा को <coughs> आर्थोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम्स है आर्थो मतलब जॉइंट जॉइंट्स का अगर हम इसका एक एक सिस्टम्स देखते हैं तो एक एक सिस्टम्स जो है ना अलग अलग तरह से रहता है जैसे सबसे पहले बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी इसकी ट्रिपलोब्लास्टिक होती है बॉडी सेगमेंटेड होती है बॉडी में सिफिलाइजेशन पाया जाता है यानी हेड रीजन अलग पाया जाता है हेड रीजन अलग होता है एगजो स्क्लेटन होती है एग्जो कार्टीनियस की बनी होती है एगजो स्क्लेटन यानी इसके ऊपर एक स्केलेटन पाया जाता है और इसको हम कहेंगे एगजो स्क्लेटन सिस्टम कंप्लीट होता है यानी लंबा बेल्ट डेवलप्ड होता है और इसमें माउथ भी पाया जाता है और माउथ <coughs> के अलावा इसमें चिमिंग विटिंग स्पंजिंग पर्किंग यानी डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्या पाए जाएंगे माउथ पार्ट्स में वो पाए नेक्स्ट आता है फिर हमारे यहाँ रेस्परेशन अब रेस्पिरेशन किसके द्वारा? थ्रो जनरल बॉडी सरफेस, यानी रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होगा या फिर गिल्स के द्वारा होगा जैसे क्रस्टीसियंस है क्रस्टीसियंस में गिल्स के द्वारा होगा है ना ट्रेकिया है इंसेक्ट में किसके द्वारा होगा ट्रेकिया के द्वारा होगा डिप्लोपोडा एंड चिलियो यानी ये तीन ऐसे क्लासेस हैं जैसे इंसेक्ट डिप्लोपोडा एंड चिलियोपोडा इनमें ट्रेकिया के द्वारा रेस्प्रेशन होगा क्रस्टीसियंस कहाँ पाए जाते हैं पानी में पाए जाएंगे तो इनमें गिल्स के द्वारा होगा बुक लंग्स पाई जाएंगी आर में एंड बुक गिल्स पाए जाएंगे किंग कोबरा में नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर हमने देखा यूनिसेक्चुअल यानी ये इनमें क्या एस्क्रीशन एस्क्रीशन में मालपीगी ट्यूबल्स पाई जाती हैं जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं उन एनिमल्स में मालपीगी ट्यूबल्स ट्यूब्स होती हैं ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड एक्वाटिक फॉर्म में पाए जाने वाले यानी ऐसे इंसेक्ट या ऐसे आर्थोपोड्स जो कि एक्वटिक फॉर्म में पाए जाते हैं उनमें कॉक्सल ग्लैंड होती हैं और ये <coughs> नेक्स्ट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि यानी ये एमिनोटेलिक होते हैं जो ऐसे एनिमल्स जो कि एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं वो एमिनोटेलिक होते हैं और जो कि टेरिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं टेरिस्टल में पाए जाते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं यानी यूरिया का सीक्रेशन करना अमिनोटेलिक यानी अमोनिया को निकालने वाले यानी ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं ये एमिनोटेलिक जो कि एोटिक जितने भी एकोटिक एनिमल्स हैं वो सब अमिनोटेलिक होते हैं फिर क्या आता है टेरिस्टियल यानी जितने भी टेरिस्टियल एनिमल हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं और जितने भी फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं वो सब यूरिकोटेलिक होते हैं, हैं। यानी ये यूरियोटेलिक भी होते हैं और इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और नर्वस सिस्टम में बेल गेंगलियोन पाए जाते हैं जो कई तरह के होते हैं जैसे कि सफ़ेलिक गेंगलियोन बिस्ल गेंगलियोन पीडल गेंगलियन यानी इनमें कई तरह के जहाँ जहाँ नर्व्स का वो होता है उसमें नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं यूनी होते, है, होते हैं सेक्स में सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन इनमें दोनों प्रकार का होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का इनमें फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ये ओ भी पैरस होते हैं और ओवो भी भी पैरस होते हैं यानी ये दोनों तरह से होते हैं ओ भी पैरस भी होते हैं और ओवो भी पैरस हैं डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट के माने हो जाता है कि इनमें प्यूपल कंडीशन का पाया जाना लार्वल कंडीशन का पाया जाना देन फिर मेटामॉर्फिस के बाद उनमें एडल्ट का बनना सेंसरी ऑर्गन इसमें एंटीनी होते हैं सेंसरी हेयर्स है पाए जाते हैं <t minima> और कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं यानी इनमें कंपाउंड आई भी पाई जाती है यानी ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फाइलम्स रहता है हमारे यहाँ अब फाइलम आर्थोपोडा आर्थोपोडा में सबसे पहली क्लास आती है क्रस्टेशिया यानी ये सबसे पहली क्लास है नेक्स्ट क्लास है फिर डिप्लोपोडा डिप्लोपोडा फिर आर फिर क्लास सिफेलोडा और फिर क्लास इंसेक्टा और क्लास मीरोटा यानी ये अलग अलग क्लासेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट ये एनिमल्स हैं जो आप देख रहे हैं जैसे फाइलम चीली क्रेटा के एनिमल्स हैं यूरिनिए में के हैं और ये सारे के सारे एनिमल्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं यानी अगर हम दोबारा से फिर आर्थोपोडा में जाते हैं तो आर्थोपोडा क्या है सबसे बड़ा फाइलम है और इसका सबसे मेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं तो इसके में इंसेक्ट पाए जाते हैं लैक कल्चर पर लेक कल्चर एक इंपॉर्टेंट है जो कि हमें इसी के इंसेक्ट के द्वारा मिलता है और इसके अलावा हमारे हनी हनी भी हनी भी हमें इसी से मिलती है जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट है और इसके मेन हमारे यहाँ इसका जो हानिकारक पहलू है आर्थोपोडा का वो है कि जितनी भी इंसेक्ट है इंसेक्ट में जैसे कि हमारे यहाँ मलेरिया को फैलाने के लिए एनाफिलिस का पाया जाना और अदर अदर बीमारियों को फैलाने वाले जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब के सब इसी फाइलम्स को बिलोंग करते हैं यानी ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी यानी दोनों तरह से है और सब मेन चीज़ है हमारी जूलॉजी की अगर दृष्टि से देखते हैं तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यानी सिफिलाइजेशन वो सिर्फ़ इस आर्थोपोडा में ही पाया जाता है नेक्स्ट आता है फिर हमारे यहाँ मोलस्का मोलस्का यानी सॉफ्ट बॉडी एनिमल सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स पाए जाते हैं वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं और मोलस्का की अध्ययन को यानी हम आर्थोपोडा में देखते हैं तो इंसेक्ट पाए जाते हैं इंसेक्ट के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं तो मोलस्का के अध्ययन को हम मेलेकोलॉजी कहते हैं और इसकी जो शेल होती है यानी ये बहुत सॉफ्ट बॉडी है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन होता है और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इसमें कहाँ पाया जाएगा वो एक इकट्ठा होता रहता है और वो उसकी बॉडी के बाहर आउटर कवरिंग शेप बना लेता है जिसे हम शेल कहते हैं एस एच ई डबल एल शेल और उस शेल की स्टडी को हम कौन को कहते हैं यानी फाइलम मोलस्का भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी इसमें पर्ल पाए जाते हैं पर्ल का फॉर्मेशन भी फाइलम मोलस्का में होता है जो कि इसका एक एनिमल है ऑयस्टर वो करता है तो फाइलम मोलस्का के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये कैसे है? है, हैं सॉफ्ट बॉडी है एनिमल्स हैं इनमें भी मेटामेरिक कंडीशन पाई जाती है यानी इनकी बॉडी अलग अलग डिवाइडेड रहती है मेटामेरिकली डिवाइडेड रहती है टिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है यानी तीन लेयर से मिलकर के बना होगा एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म से मिलकर के बना होता है सीलोमेट होते हैं और फंक्शनली बायोलेट्रली सिमेट्रिकल होते हैं यानी ये बाइलेट्रली सिमेट्रिकल भी होते हैं और ये फ्लैशी इन्वेप लाइक मतलब बहुत वैसे कंप्लीट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पाए जाते हैं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड होती है और इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता बायोलिट्रिक सिमेट्रिकल होते हैं गैस्ट्रोपोडा एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा यानी इसकी क्लासेज को पोडा के हिसाब पैर पैर के हिसाब से डिवाइड किया गया ये सिमेट्रिकल होते हैं शेल कॉइल्ड होती है शैल में बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है जिसे हम कॉइल्ड कहते हैं जिसके आधार पर ये साइजोसील और हीमोसील कैविटी भी इनमें पाई जाती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अधिक होता है बॉडी डिजर्वेल होती इन टू हेड हैड के रूप में बटी होती है अलग अलग उसमें रहती है मेंटल पाई जाती है डोसल ग्लैंडुलर फोल्ड पाए जाते हैं बॉडी वॉल में और ये थिक एंड मस्कुलर एंड इंक्लूज एंड मेंटल कैविटी के रूप में होते हैं हेड इसका जो है ना एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में पाया जाता है फुट पाए जाते हैं इनमें इनमें विसरल मांस पाया जाता है और ये कब्ड रहती है यानी इसकी बॉडी कबर्ड रहती है जो कि शेल के, के द्वारा होती है यानी मोलस्का एक सॉफ्ट एनिमल्स का फाइलम है जो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने बचाव के लिए शेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करता है जो इसको कब्ड की रहता है अगर हम फाइलम मोलस्का के एनिमल्स में देखते हैं तो पायला एक इम्पॉर्टेंट है ऑस्टर एक इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे कैसे हैं जो एक इम्पॉर्टेंट है अगर हम इसका क्लासीफिकेशन देखते हैं अब तो बाईविया अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बाईविया यानी इसकी बॉडी को अगर हम इसकी उसको बांटेंगे तो दो बराबर भागों में बट जाना क्या कहलाएगा बाइवेल्बिया कहलाएगा जैसे मसल्स एक्सेट्रा इसमें और इसके बाद में मोनोप्लेकोफोरा एक प्लेट यानी इसकी जो उसमें है वो मोनोकोप्लेकोफोरा यानी एक प्लेट से बने हुए होंगे मोनोप्लेकोफोरा कहलाएंगे नेक्स्ट आता है ग्रेस्टोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेस्टिक ग्रेस्टिक मतलब पेट पेट रीजन पेट के ऊपर पैर का पाया जाना क्या कहलाएगा ग्रेस्टोपोडा जैसे कि ग्रेस्टोपोडा पाया जाए फिर आता है सिफेलोपोडा अब हमने पढ़ा था अभी आर्थोपोडा में देखा था सिफेलिक रीजन का बनना सिफेलिक क्या है हेड रीजन हेड रीजन पर तो सिफेलिक रीजन हो गया अब यहाँ पे क्या है सिफेलो यानी हेड रीजन के ऊपर पैर का पाया जाना क्या कहलाएगा सिफेलो कहलाएगा एस्केपोपोडा और ए एप्लेकोपोरा पॉलीप्लेकोपोरा यानी इसके क्लासिफिकेशन को हमने अलग अलग तरह से बांटा है लेकिन इसमें सबसे मेन जो इसका इकोनॉमिक पहलू है वो है इसमें पर्ल का पाया जाना पर्ल मतलब ऑयस्टर ऑयस्टर में पर्ल का मिलना क्या कहलाएगा इसका एक इंपॉर्टेंट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के सीक्रेशन से बनता है फाइलम मोलस्का में नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर एकनोडरमेटा ये हमारे यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट फाइलम है जहाँ से फिर हमारे यहाँ स्टार्ट होता है कॉडेटा में लेकिन इकाइनो इकाइनो मतलब जाता है मैनी बहुत से आर्म डरमेटा मतलब बियरिंग बहुत से आर्म को धारण करने वाले एनिमल्स क्या कहलाएंगे इकाइनो डर्मेटा ये तो टोटली मैराइन एनिमल्स हैं हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा हमने इनवर्टिब्रिट्स में देखा हम इन्वर्टिब्रिट्स में देखते चले आ रहे थे कि ये एनिमल्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं मैराइन वाटर में पाए जाते हैं तो ये एनिमल टोटली कहाँ पाया जाता है मैराइन वाटर में पाया जाता है यानी समुद्री पानी में पाए जाने वाला एनिमल्स होता है इकाइनो इकाइनस स्पाइंस डरमेटा मतलब इस स्किन के ऊपर बहुत से वो पाए जाते हैं आर्म्स पाए जाते हैं इसलिए एक इंपॉर्टेंट फाइलम्स है हैबिटेट में पाए जाते हैं ये एक्सक्लूसिवली यानी पूरी तरह से मैर होते हैं और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स ग्रेड जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है यानी इनमें थ्री ट्रिपलोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है नेक्स्ट सिमेट्री देखते हैं तो ये एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं जबकि इनके लार्वा बाईलेट्रली सिमेट्रिकल होते हैं यानी इनमें लेटरल बॉडी का सिमेट्रिकल सिस्टम्स पाया जाता है सीलोम इनमें प्रेजेंट होती है यानी सीलोम पूर्ण विकसित तो होली है सिलोमेट कंडीशन पाई जाती है और इनकी बॉडी विदाउट सेगमेंटेशन होती है इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता शेप ऑफ द बॉडी फ्लैट होती है स्टार लाइक होती है आप लोगों ने सभी ने प्रीवियस क्लासेस में यानी इलेवेंथ ट्वेल्थ में नाइन्थ में स्टार फिश को देखा होगा नाम उसका स्टार फिश है लेकिन वो फिश नहीं है वो किस फाइलम का एनिमल है एक कैनोडरमेटा का एनिमल है इसमें ट्यूब फिट प्रेजेंट पाया जाता है और इसका हेड अपसेंट होता है यानी इसमें पाया जाता है एक वाटर बेस्कुलर सिस्टम हम यहाँ दो सिस्टम्स की बात करते हैं हमने पौरी में देखा था कैनाल सिस्टम वहाँ पर हमारा कैनाल पाया जाता है जो कि कैनाल यानी पानी के द्वारा अंदर आना नहर के द्वारा पानी अंदर आता है ऐसी तरह से वहाँ पर पोर्स के द्वारा पानी अंदर आना ऑस्टिया के द्वारा पानी अंदर आना वो कहलाता था, था हमारा कैनाल सिस्टम लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं वाटर बेस्कुलर सिस्टम यानी यहाँ पर एक सिस्टम ही डेवलप होता है अब आप, आपने देखा होगा हमारा इसका उद्देश्य क्या है उसका उद्देश्य था कि हमने अपने इस क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा है एक लोअर इन्वर्टिव और एक हायर इन्वर्टिव लोअर के माने ऐसा हो जाता है जहां पर सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है लेकिन ये चूंकि हायर इनवर्टिव हैं और इनमें सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो जाता है इसीलिए हम यहाँ पर सिस्टम वर्ड का यूज़ करते हैं यानी ये हो गया हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम माउथ इनमें पाया जाता है वेंटल साइड पर होता है माउथ इनकी वेंटल जबकि एनस जो है ना उसकी डोरसल साइड पर पाया जाता है यानी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर माउथ वेंटल साइड पे होगा और एनस इसका डोरसल साइड पे होगा इनमें जो रेस्पिरेशन है वो पेपुली के द्वारा होगा गिल्स के द्वारा होगा और क्लोकल क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री, ट्री पाई जाती है यानी इसमें एक रेस्पिरेटरी ट्री, ट्री पाई जाती है एक इंपॉर्टेंट करैक्टर्स है इसका वो सिस्टम इसमें अप्सेंट होता है यानी ये एक फाइलम ऐसा है जिसमें नर्वस सिस्टम अपसेंट है और ब्रेन लेस ऑर्गेनिज्म है यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ब्रेनस नहीं पाई जाती सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें रिड्यूस होता है सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता हार्ट इसमें अपसेंट होता है हार्ट इसमें नहीं पाया जाता ब्लड हैज़ नो पिगमेंट यानी इसमें ब्लड में इसके पिगमेंटेशन नहीं होता है यानी जो हम देख देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्लड में अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता इसका रेस्परेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है एस्क्रेटरी सिस्टम अपसेंट होता है सेक्स मोस्टली डायोसियस यानी सेक्स अलग अलग होते हैं जो कि अलग अलग तरह से पाए जाते हैं रियली मोनोसियस यानी इसमें एनिमल्स अलग होता है रिप्रोडक्शन सेक्चुअल गैमेटिक फ्यूजन के द्वारा होता है जबकि ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रीजनरेशन यानी अगर आर्म्स टूट जाती है तो वो फिर दोबारा से अपने आप को कंप्लीट बना लेती है यानी इसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है और इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है हमने यहाँ देखा कि ये ही यानी अगर हम फिर वापस अपने पुराने फाइलम पर आते हैं तो प्रोटोजुआ भी एक्टिक हैं लेकिन पॉरीफेरा भी एक्वेटिक हैं और वो दोनों तरह पाए जाते हैं लेकिन सिलेंट्रेटा भी एकटिक हैं वो भी हमारे यहाँ मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और उनमें अलग अलग सिस्टम्स डेवलप होते हैं लेकिन हमारे यहाँ इस फाइलम में अगर हम आते हैं ए सेक्चुअल प्रोडक्शन भी पाया जाता है लेकिन यहाँ पर रीजनरेशन यानी एक आर्म्स का टूटना फिर वापस बन जाना वो पाया जाता है और फ़र्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है हमारे यहाँ एक वर्ड आता है फर्टिलाइजेशन जो हमने पहली बार इसमें यूज़ किया है वो है फर्टिलाइजेशन यानी दो प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने अभी आर्थोपूर्णा में देखा था एक वर्ड हमारा वहाँ था पार्थिनोजेनेसिस यानी उसमें हमें पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होना वो क्या कहलाएगा हमारा पार्थिनोजेनेसिस कहलाएगा अब हम आते हैं फाइलम इक्नेडोमेटा की क्लासिफिकेशन पर इसकी क्लास में सबसे पहले है क्लास एस्ट्रियोडी एस्ट्रोडी यानी सी स्टार फिर क्लास आती है ओपियोरेडी ब्रिटल स्टार्स यानी आपने देखा होगा कि हम सी स्टार्स सितारा मछली अगर हम देखते हैं तो उसे हम मछली के रूप में रखते हैं लेकिन बट वो मछली नहीं है फिश नहीं है वो क्या है फाइलम एकाइनवोरमेटा का एक एनिमल है फिर आती है हमारी क्लास एकाइनोडी सी अर्चिन जो कि हमारे यहाँ क्लास इकावेटा में आती है और फिर क्लास आती है होलोथोरेडी यानी क्लास होलोथ्रोडी सी कोकम्बर्स जिसे समुद्री खीरा के नाम से हम जानते हैं और क्लास नोडी यानी नोडी यानी इसकी कितनी क्लास में बांटा हमने हमने इसको पाँच क्लास में बांटा है फाइलम एकटा फाइलम एकटा इनवल्टिव डेट का लास्ट फाइलम है इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे यहाँ कॉर्डेटा फिर आते हैं यूरोडेटा और फिर आता है हमारे यहाँ सेफेलोकॉडेटा तो आज हमने जो देखा वो ये है कि हमारे यहाँ पर फाइलम इकानेटर मेटर था यानी हमारे क्लास सिलेबस में है फाइलम इन्वर्टिवरेट और इसके बाद आता है हेमिकॉडेटा और हेमिकॉडेटा के बारे में हम फिर बाद में देखेंगे है ना तो आज हमारा जो रिपीटेशन होता है यानी अगर हम दोबारा से अपने पुराने उसी पर चलते हैं वापस तो हमने हमारे क्लासिफिकेशन को दो दो उसमें बांटा है यानी लोअर इन्वर्टिव रेट में और हायर इन्वर्टिव रेट में अगर हम फिर इनके स्पेशल करेक्टर्स देखते हैं तो प्रोटोजुआ सबसे मेन है हमारा प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ को हमने एक सेपरेट अलग उसमें रखा है और फिर दूसरे क्लासेस में रखा है मेटाजुआ मेटाजोआ क्या है मैटाजुआ मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाले एनिमल्स जिनमें कि टिश्यू ग्रेड बनना स्टार्ट होता है मेटाजोआ में सबसे पहला आता है सिलेंटेटा फाइलम सिलेंटेटा एक ऐसा एनिमल्स है ऐसा ग्रुप है जहाँ पर मल्टी यानी टिश्यू ग्रेड पाया जाता है इसके बाद हमारे यहाँ सबसे वेल डेवलप्ड फाइलम आता है

पाए जाते हैं नेक्स्ट फाइलम था हमारे यहाँ फिर आर्थोपोडा आर्थोपोडा एक वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम था जो कि हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे चारों तरफ यानी डेढ़ लाख एनिमल्स हैं जो हमारे चारों तरफ इसमें पाए जाते हैं और जो कि हमें बीमारियाँ भी सबसे अधिक फैलाते हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी है हनी सबसे मेन चीज़ है हनी हनी हमें किससे मिलता है आर्थोपोडा से मिलता है फिर हमें मिलता है इसके अलावा लेक लेक भी हमें कहाँ से मिलता है आर्थोपोडा से मिलता है और आर्थोपोडा के बाद फिर हमारे पास आता है मोलस्का मोलस्का सॉफ्ट एनिमल है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है इनमें शेल पाई जाती है शेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारे घरों में शंख पाया जाता है शंख भी किसका है फाइलम मोलस्का का एनिमल है और इसके बाद फिर हमारे पास आता है इकाड्रमेटा तो इकांड्रमेटा इज द लास्ट एनिमल किंगडम में पाए जाने वाला यानी इन्वर्टिव में पाया जाने वाला है और ये है हमारा कौन सा जो कि मेराइन है टोटली मेराइन है और इसमें कई करेक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं पाए जाते तो हम आज इतना ही करते हैं नेक्स्ट हमारे पीरियड में रहेगा फिर फाइलम इसके अलग अलग एनिमल्स के बारे में हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें हम पढ़ना है ठीक धन्यवाद